काली ओम गुरु जी, काली ओम गुरु माँ। जब से आप से मिले हैं, जब से तब से तो बस हम धन्य ही हो गए हैं। मैं धन्य हो गई बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं आपसे 5-6 साल से कांटेक्ट में हूँ, लेकिन अभी जब से इस वर्कशॉप में मिले हैं, आपको गुरु पूरी तरह से गुरु माना है, गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उसके बाद तो बिल्कुल ही लाइफ जैसे चेंज ही हो गई है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम से डर नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक गिल्ट है, जैसे आपसे मैं पहले एक पुराने कोर्स में व्हाट्सएप पे थी, आपसे मेरी काफ़ी बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे, और तो मुझे उस चीज़ का गिल्ट है अब तक। लेकिन बी ऑनेस्ट, मेरा कोई आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था उस समय भी। मैं नहीं चाहती थी अब कि मैं आपके अगेंस्ट कुछ करूँ। उस समय सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैंने अपना ग्रुप बनाया था उस समय, और उस चीज़ का गिल्ट मुझे अब तक भी है। और इसी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाती, बोलती नहीं हूँ कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, और मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। भले ही चाहे मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, पर एटलीस्ट आप नाराज ना हो मेरे लिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और सच में मैं पहले आपको सिर्फ सर मानती थी, लेकिन जब से इस वर्कशॉप से जुड़ी हूँ, गुरु दीक्षा ली है, तब से सिर्फ आप ही मेरे गुरु हैं, और बस आप ही हो सब कुछ। और मुझे यही चीज़ है कि अब मैं हमारे ना बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लगती थी मुझे। मेरा पहले मेडिटेशन पावर, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा था, लेकिन अभी हमने कुछ टाइम पहले घर चेंज किया अपना, शिफ्ट हुए, दिवाली पर ही हमने घर में शिफ्ट हुए, और उसके बाद से तो हमारी सारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। मतलब सारी तरफ निगेटिविटी हो गई, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए, बहुत सारे फाइनेंशियल इशू बढ़ गए, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था, मेडिटेशन भी नहीं हो पा रहा था, वो उस तरह से बैठा ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं पहले आधा पौन घंटा भी सब कितनी आवाज़ शोर में भी मैं मेडिटेशन कर लेती थी, और अब शांति में भी मेडिटेशन नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी, और हेल्थ इशू भी बढ़ रहे थे। और वही चीज़ अभी भी हो रही है काफ़ी, लेकिन यह कि जब आपने जो हमारी अभी पर फ्राइडे को जो करी थी, जो निगेटिव ऊर्जा वाली ख़त्म करी थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा, और कल के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा। जो मेरी एक बैक पेन होता था मेडिटेशन में बैठते हुए, वो सही हो गया। उस समय मेडिटेशन करते करते वो लास्ट तक आते आते ख़त्म हो गया, और मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश थी। और मुझे ऋषिकेश आना है, और प्लीज़ उसका कुछ कर दो ताकि मैं ऋषिकेश आ पाऊँ और आपसे मिल पाऊँ, क्योंकि मेरे थोड़ा सा फैमिली इशू, फाइनेंस इशू सभी हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन सभी कुछ है। पर मुझे ऋषिकेश आना है, और मुझे विश्वास भी है कि आप और गुरु माँ मुझे हाथ पकड़ के लेके जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।